Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज मैं एक इंटरेस्टिंग सी डिश बना रही हूँ, विच इज़ रियली ईजी, जो आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें. इसके अंदर मैंने कीमा लिया है, ये बीफ है, तो आप इसमें मटन या बीफ दोनों ऐड कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं. और इसमें आपने दो ओनियन चॉप कर लेने हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है और ग्रीन चिलीज़ डालनी है. और इसके अंदर सूखा धनिया जो है उसको आपने पहले फ्राई कर लेना है, सूखा धनिया को अच्छी तरीके से, और फिर आपने इस मिक्सचर में मिक्स कर देना है. उसके बाद आपने इस शेप में कबाब बनाने हैं. और फिर आपने एक कोयला लेना है जिसको आपने थोड़ा सा पकाने के बाद आपने पैन को कवर कर देना है, उसकी लिड को, ताकि उसके अंदर जो उसकी एक अरोमा है वो अच्छी तरीके से कबाब्स में मिक्स हो जाए. तो इस तरह से एक बारबेक्यू कबाब्स हो जाएंगे. तो ये बहुत टेस्टी है, इवन माई ब्रदर लाइक्स इट, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें. वैसे आई नेवर ईट ये वाला मीट, लेकिन दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि मैं खा सकती हूँ. और आप लोग भी इसको ट्राई करें, आई एम श्योर यू गाइस गोना लव इट. और फिर आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि हर जगह बारिश हो रही है पूरे पाकिस्तान में, मगर कराची में ही नहीं हो रही, तो क्या रीज़न है. सो अभी भी प्रेडिक्शन आ रही है कि यहाँ पे बारिश होगी, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रेन. और आप लोग मौसम देखें, दिस व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग. मौसम बहुत प्यारा है और यहाँ पर सी पर जब भी आते हैं ना, सी साइड पर, तो ये हमेशा फुल होता है और हमने तो कभी आना ही यहाँ पर छोड़ दिया है. लेकिन दिस वॉज द टाइम जब मैं दिन में देखना चाहती थी इस प्लेस को, और ये प्लेस बहुत अमेजिंग है. लेकिन आप देखें कि ये समंदर की जो पानी है वो कितना दूर है. वैसे तो पहले बहुत करीब होता था, इन ब्लॉक्स को टच करता था और हमारे फेस पे आता था, लेकिन अब देखें काफ़ी दूर चला गया. तो दिस माइट बी द रीज़न कि अभी शायद बारिश नहीं हो रही, तो वो होगी तो फिर ये सारा एक्टिव हो जाएगा. और उसके बाद हम लोग यहाँ पर डॉलमेन मॉल आए हैं और ज़रक और एला भी हमारे साथ हैं. इन्होंने कहा कि हमको जो प्ले एरिया में जाना है डॉलमेन मॉल का, इनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसका नाम आई थिंक सिनबाद है. तो यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करने का आज सोचा हुआ था कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे और बहुत से यहाँ पे जो जो झूले हैं हम सबको ट्राई करेंगे. और इन लोगों ने काफ़ी ट्राई किया, एला और ज़रक ने, जो इन दोनों के इंटरेस्ट में थे. और ज़रक ने भी काफ़ी कुछ अपनी इंटरेस्टिंग गेम्स खेली यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था. और वैसे आई जस्ट लव डॉलमेन मॉल, क्योंकि यहाँ पर इसकी मल्टीपल रीजन्स हैं. और यहाँ पर आप जब भी आते हैं ना, आप बहुत मज़ा आता है. एक तो ये है कि आप ऑल द ब्रांड्स अंडर द वन रूफ, ये इसका एक बेनिफिट है जो आपको मिल जाता है. कुछ भी आपने देखना है, लेना है, तो यू गाइस कैन ईजीली परचेज. और उसके बाद ये प्ले एरिया भी है, यहाँ पे भी बच्चे जो होते हैं वो अब बहुत खुश रहते हैं. उसके अलावा फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में भी जो उसकी खाने की बहुत सारी वेराइटी है. वट इज़ योर मूड, यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर मूड. उसके अलावा बस, और हाँ, उसके बाद फिर एक हाइपर स्टार है, वो भी बहुत बेनिफिशियल है कि अगर आपको कोई ग्रॉसरी करनी है या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ या जो भी लेना है, तो आप लोग वो भी इजीली परचेज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ द रीज़न कि मुझे ये मॉल बहुत पसंद है. और हमारे घर से तो वैसे ही कुछ ही देर की ड्राइव पे है, लाइक 10 मिनट्स भी, आई थिंक हार्डली 10 मिनट्स, ये भी ज़्यादा मैं बता रही हूँ, तो इससे भी शायद कम लगता है. तो इनका अपना हो गया था, अब हम लोग यहाँ पर आए हैं फूड कोर्ट में. यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी है, आपको मल्टीपल फूड ऑप्शंस हैं, कुछ भी आप खाना चाहें तो आप यहाँ पे इजीली खा सकते हैं. ओके, सो आई एम लविंग KFC दीज डेज. और मैंने देखा कि जो इसने मैकडोनल्ड्स को काफ़ी पीछे छोड़ दिया, मैकडोनल्ड्स का टेस्ट उस तरह से नहीं है जैसे हुआ करता था. तो आई रियली लाइक KFC नाउ डेज, तो वो बहुत अच्छा, उसका टेस्ट बहुत यमी है. एंड उसके बाद मैं खाड़ी पर आई हूँ, खाड़ी पर मुझे एक ड्रेस पसंद था, आई वॉन्टेड बाय दैट, तो बस मैंने कहा जल्दी से वो लेकर और फिर मैं जाऊंगी. और ये एला ने आज हमें इतना तंग किया, ये बिल्कुल आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई थी. और ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, पूरे मॉल में घूम रही है और कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है, बस चिल लाइफ है. और उसको कुछ पता नहीं है कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है. दिस वॉज द शॉर्ट वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी. और अगर पसंद आएगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर.